तो मीटिंग होती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए सरकार तो हमारी ही बननी थी, लेकिन किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ वो आप लोग सब जानते हो। अब चेतन आनंद को छोड़ दिया जाए, वो ना हमारी पार्टी में है, जिस पार्टी में है अभी उस पार्टी की वो चर्चा करेंगे। चेतन आनंद हमारे पार्टी में नहीं है और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज है। वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना, कितने दिन सुरक्षित हैं। देखिए मीटिंग तो पार्टी की होती रहती है और अभी भी हम लोग का संगठन की ही मीटिंग हुई है, तो मीटिंग होती है तो हमें ऊर्जा मिलती है। डायरेक्ट नेतृत्व के आमने सामने बैठते हैं, वो दिशा निर्देश देते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मीटिंग है तो दिशा निर्देश। सरकार बदलने के बाद पहली बार मीटिंग हो रही है, क्या क्या आप लोगों को टास्क? देखिए सरकार तो हमारी ही बननी थी, लेकिन किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ वो आप लोग सब जानते हैं। और मीटिंग एक हमारे पार्टी का एक रेगुलर फीचर है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है और अभी भी मीटिंग हुई है जिला अध्यक्षों के साथ, तो अच्छी मीटिंग रही। चुनाव में जाने की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में है, अब तेजस्वी यादव यहाँ जा रहे हैं, मानते हैं कि अब चुनाव में आप लोग जा रहे हैं? अब चुनाव माहौल तो हो ही चुका है और जाहिर सी बात है कि चुनाव में सब चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, तो चुनाव में तो अब लगना ही है, समय आ गया है, समय नज़दीक है। क्या कुछ कोई ऐसा टास्क मिला है सारे लोगों को कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि क्या कुछ चल रहा है? देखिए जब पार्टी की जब हमारे पार्टी की मीटिंग होती है या किसी भी पार्टी की मीटिंग होती है तो पार्टी का जो मैनिफेस्टोज होता है, जो मकसद होता है, वो तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जन जन तक पहुँचाए। हमारी पार्टी 17 महीनों में काफ़ी काम की है, तो आप लोग भी काफ़ी सहयोग दिए हैं, आप लोग भी बताते रहे कि 17 महीने में इतनी सारी नियुक्ति हुई, इतनी नौकरियां मिली, तो ये तो लोग जाने तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मीटिंग का सवाल है, अच्छी मीटिंग रही, हम लोग अपने नेता से मिले और जिला अध्यक्ष भी थे और पार्टी के लिए तो लगातार काम करना है, चुनावी माहौल है, चुनाव में लगना भी है। लोकसभा के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई कि भाई आम सहमति से ये सारी चीज़ें? बिल्कुल आम सहमति से ही हुई, ये तो सब जानते हैं। चेतन आनंद को छोड़ दिया जाए, वो ना हमारी पार्टी में है, जिस पार्टी में है अभी उस पार्टी की वो चर्चा करेंगे। राजद के कई वरिष्ठ नेता इस फैसले से काफी नाराज है, खपा है। चेतन आनंद हमारे पार्टी में नहीं है और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज है। वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना, कितने दिन सुरक्षित है, किस महत्वाकांक्षा से वहाँ गए हैं, उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है कि नहीं, ये वो सोचे ना। हमारी पार्टी बहुत अच्छे आपके अंदर उम्मीदवारों के लेकर कहीं कुछ मतभेद नहीं? कोई मतभेद नहीं है, हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी पार्टी तो एक परिवार है। हमारी पार्टी में ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं, एक्सपीरियंस जरूर किसने में एक्सपीरियंस ज़्यादा है किसने में एक्सपीरियंस कम है, तो हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक परिवार की तरह काम करते रहते हैं। बातें हुई कि कौन पार्टी कितने सीट पर? अभी तो समय है उसके लिए, अभी तो फिलहाल हम लोग अपनी मीटिंग रखे थे पार्टी की और पार्टी के एजेंडा पे हम लोग को काम करना है, जो हम लोग गरीब की पार्टी है, गरीब तक पहुँचना है। ये सांगठनिक बैठक थी और अब सब लोग समझ जान रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव कुछ दिन में होना है, तो अपने संगठन पे जहां क्या क्या हमको काम करना है इन तमाम बातों पे चर्चा। क्या टास्क दिया गया है आप विधायक लोगों को? एक ही टास्क है, नरेंद्र मोदी को रोकना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।